राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के एकदम नए और फ्रेश व्लॉग में करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत भाई। आज तारीख हो गई है 1 अक्टूबर 2023, टाइम है सुबह के 6:40 और जैसा कि आप सारे भाइयों को भाई पता है ही, मेरी आज की बुकिंग है पानीपत के लिए नारायणा से, जो कि मेरे पास कल ये बुकिंग आ गई थी, मैंने अपडेट कर दिया था कल के वीडियो में ही लास्ट में। तो मैं जा रहा हूँ भाई पिकअप पे, टाइम तो था 6:15 का, मगर उनका कॉल आ गया था आधा पौना घंटा लेट निकलना है, तो मैं पहुंच जाऊंगा 7 बजे से पहले ही पिकअप लोकेशन पे, क्योंकि मैं तो है ऑलरेडी नारायणा फ्लाईओवर के पास भाई पहुंच ही चुका हूँ लोहा मंडी में, और बस फ्लाईओवर क्रॉस करके टी पॉइंट से लेफ्ट होना है मुझे, वहाँ पे है पिकअप लोकेशन। तो भाई आज पानीपत जाना होगा, पानीपत में कौन कौन से खर्चे आते हैं, कैसे कैसे रास्ते से जाएंगे, कौन कौन से टोल पड़ेंगे, बीच में हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं कई बार पानीपत के बारे में व्लॉग बना चुका हूँ, मगर फिर भी भाई हर बार नए बंदे जुड़ते हैं, वो पुराना वीडियो ना देख के हो सकता नई वीडियो देखें, नया वीडियो देख कर उनको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए, इसी वजह से हर रोज़ भाई ये व्लॉग बनाया जाता है। और भाई जो एक संडे के बारे में बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के दिमाग में मिथ है, संडे को तो काम सुबह कम होता है इसलिए 2-3 बजे निकलेंगे, मगर ये सारा वहम है भाई, बहुत तगड़ा वहम है। सुबह सुबह निकलो और काम देखो, जब तक आप निकलने की सोचोगे, जब तक तो जितना आपका काम सोचा है ना, अपना टारगेट है, वो पूरा हो जाएगा 2 बजे तक। संडे को रोड रहते हैं खाली और गाड़ियां होती हैं रोड पे बहुत कम, अगर मेरी मानो तो भाई संडे को जल्दी ही जैसे आप निकलते हो ना उसी टाइम से निकलो और काम देखो कितना ताबड़तोड़ होगा। तो भाई मैं तो आपसे बात करते करते पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे, और अपना तो हो चुका है दिन स्टार्ट, संडे का दिन है। मिलेंगे भाई कहीं रास्ते में, जहाँ भी रुकेंगे सीएनजी डलवाऊंगा या और कहीं भी रुकते हैं तो वहां करूंगा आपको अपडेट। तो बने रहना भाई ब्लॉग में आखिर तक, और काम खींचते रहो, काम करते रहो शरीर को आराम के साथ साथ। तो मिलते हैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच के। भाई 7:31 हो गए हैं, 6:15 का टाइम दिया था पैसेंजर ने, तो देखो 1.5 घंटा तो हो गया भाई वेट करते करते। बाकी आ तो गए हैं पैसेंजर, अपने खड़े हैं पीछे ही, मगर एक कोई बंदा नहीं आया है जिनको जाना होगा साथ में। तो 2 घंटे मुझे शो कर रहा है, 2:05 यहाँ से पहुँचने के लिए भाई, पानीपत के पास एक विलेज इसराना के पास, वहाँ जाना है। तो जैसे ही वो भाई लास्ट वाले पैसेंजर आते हैं तो बैठा कर निकलते हैं भाई। भाई इस होटल में रुके हैं चाय पीने के लिए, भाई के चश्मे देख कर रुका हूँ सिर्फ, ना रोक तो पीछे वाले भी रहा है, चश्मे का कमाल है जो मैं यहाँ रुक गया हूँ। ड्राइवर का दिन के बिल में ना जोड़ोगे ना, नहीं हाँ लग रहा है ना, ये सवारी के बिल में मत जोड़ना, चाय पानी पीनी है अपने और क्या है। चलो पीते हैं भाई चाय पानी, अभी यहाँ से लगेगा आधा घंटा के आसपास। भाई चाय चल रही है, चाय पीनी है, चाय पीनी, यहाँ से भाई 24-25 किलोमीटर रह गया है चाय और फैन। पंकज जी आ जाओ भाई, चाय के साथ आ गया परोठा, मानने रहे हैं पैसेंजर, मैं तो खाना था नहीं। झाड़ जोड़ उठा लो, इसमें खींच कट काटे वगैरह पड़े होंगे। भाई पहुंच गए, हम अच्छा मैं रहूंगा कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। हाँ भाई पहुंच गए हैं भंडारी, भंडारी गांव इसराना के पास पानीपत। भाई पहुंच गए हैं भंडारी, 10:50 हुए हैं, गाड़ी चली 108 किलोमीटर, सुबह 7:40 या 50 के आसपास चले थे, और रास्ते में भाई आधा पौना घंटा एक होटल पर रुके थे, रास्ते में एक टोल पड़ा है 110 रुपये का मुरथल वाला और स्टेट टैक्स हरियाणा का। इसमें हम समाल खां से भाई कट गए थे अंदर गांव देहात से आए हैं, सिर्फ 65 रुपये का टोल बचाने के चक्कर में, तो अभी यहां पहुंच गए हैं जैसे तैसे, और
अभी देखते हैं कब तक पैसेंजर आएंगे, 3 से 4 घंटे का तो शायद काम है, उसके बाद भाई निकल देंगे, एक जगह और जाना है शायद कहीं पे, फिर उसके बाद दिल्ली। बाकी बने रहना हम लोग, मैं आखिर तक करता रहूँगा आपको अपडेट। भाई 1 बज गया है और 1 बजे के आसपास मैं हूँ अभी वहीं उसी गांव में। देखो कितने बजे निकलेंगे, अभी जैसे ही भाई निकलें करूँगा अपडेट। बड़ा ही भाई ग्रीनरी चारों तरफ, धान के खेत ही खेत, खेतों के बीच में भाई घर है, बड़ा सुकून भरा माहौल है। शहर की भागा दौड़ से हटके चलो देखते हैं भाई, 3 बजेंगे 4 बजेंगे कितने बजे निकलेंगे, करता रहूँगा आपको बीच बीच में अपडेट। एक बार आगे कर, हाँ इधर आ। सीएनजी पंप समाल खां के बाद और मुरथल टोल से पहले वहां पहुंच गए भाई। 85 रुपये रेट है और 160 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है, जो कि सुबह मैंने सीएनजी डलवाई थी उसमें, अभी रिजर्व में लगी ही गाड़ी है तो 20 किलोमीटर और, यानी कि 184 किलोमीटर गाड़ी चलेगी भाई एक बार फिल करा के। वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कितनी गैस आती है कितनी नहीं। तो भाई यहाँ से सीएनजी डलवा के पहुँचेंगे नारायणा, तो मिलते हैं भाई नारायणा पहुँच के। रास्ते में रुकने का तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि भाई खा पी के गए थे रास्ते में और वहाँ पे भी चाय पानी हैवी हो गया, तो रुकने का कोई चांस है नहीं अब। और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे, वैसे टाइम 4:15 का दिखा रहा है पहुँचने के लिए। अब तो 79 हो गया तकरीबन हरियाणा में, यही में घर रहे हैं। 50 रुपये का दो तो भाई नारायणा में पहुंच गए, ड्रॉप कर दिया सुबह, यहीं से पिकअप होया था और यहीं छोड़ा है। इसमें 230 किलोमीटर के आसपास टोटल मेरी गाड़ी चली है और ये पैसेंजर थे अभी, बहुत बढ़िया इंसान थे। बाकी मैं यहाँ से निकल के फिर बात करते हैं इस ट्रिप के बारे में, तो फिर फोन करना गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो ध्यान रखना। बिल्कुल, बहुत अच्छे ड्राइवर है और पहले इनसे मुलाकात हुई थी मेरी पहली बार यूट्यूब पे, बाकी अब सबसे होगी है। चलो फिर मिलेंगे। तो भाई पहुंच गया हूँ घर पैसेंजर को ड्रॉप करके, गाड़ी चली 230 किलोमीटर, एग्जैक्ट 230 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई इसमें। 230 किलोमीटर में भाई 800 रुपये के आसपास सीएनजी मेरी खर्च हुई होगी और 500 रुपये के आसपास टोल स्टेट टैक्स और एमसीडी लगे हैं। पैसेंजर बड़े ही अच्छे थे भाई, ये यूट्यूब के थ्रू ही मिले थे मेरे को, और एक बार 2 महीने पहले भी कॉल आया था भाई साहब का, तो मगर उस टाइम प्रोग्राम हो गया था कैंसिल। तो आज गए थे भाई सुबह 6 बजे जाना था, मगर कोई घटना हो गई थी, इश्यू हो गया था तो नहीं जा पाए, तो 7:45 के आसपास निकले थे और अभी भाई 5 बजे हैं, 5 बजने में भी 10 मिनट हैं तो मैं पहुंच चुके हूं घर पे। 230 किलोमीटर राइड जैसे मैंने बताया, 2 टोल पड़े इसमें, एक मुरथल वाला और एक पानीपत से जब लेफ्ट होते हैं तो एक टोल भाई वहाँ पर पड़ा था 65 रुपये का। तो भाई ये बुकिंग थी आज, पैसेंजर बहुत अच्छे थे जैसा मैंने बताया ही, और व्यवहार बड़ा ही अच्छा था भैया का, और शायद मेरी भी सर्विस पसंद आई है, और आगे भी कहीं भी जाना होगा तो कॉल करेंगे। बाकी भाई इसी तरीके से काम करते रहो और बढ़िया सर्विस देते रहो, और जो भाई किसी भी तरीके की समस्या में फंसता है ओला उबर या टैक्सी रिलेटेड बिजनेस में, तो भाई कॉल कर सकता है, जितना मुझे पता है वो मैं ज़रूर सहायता करने की कोशिश करूँगा ओला उबर के बारे में, या किसी और भी समस्या में फंसते हैं जैसे MCD लिंक है, फास्टैग का कोई इशू है, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो भाई ये मेरा नंबर रहता है स्क्रीन पे, उस पे आप कॉल करके भाई पूछ सकते हो। और बाई चांस मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, अब मैसेज छोड़ो व्हाट्सएप पे तो आपका ज़रूर जवाब आएगा, चाहे वो आए किसी भी टाइम। और पैसेंजर अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको दिल्ली से कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी चाहिए, जैसे आज मैं गया था पानीपत के लिए, सोनीपत के लिए, चरखी दादरी कल मैं गया था वहाँ के लिए, दिल्ली से कहीं के लिए भी आपको गाड़ी चाहिए बेझिझक कॉल करो, सिर्फ आपको ये तय करना है हमने जाना है, सिर्फ फ़ोन कर दो, बाकी आपकी कोई टेंशन नहीं, गाड़ी एक से एक बढ़िया गाड़ी आएगी, बढ़िया ड्राइवर आएगा, बहुत अच्छा बिहेव होगा उसका, और एक जायज़ पैसा आपसे लिया जाएगा। तो नंबर सेव कर लीजिए, या जब ज़रूरत हो एक बार YouTube पे भी कैब वाला सर्च करके, मेरा नंबर हर वीडियो की स्क्रीन पे रहता है। तो भाई आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, तो अब मिलेंगे कल, कल के लिए अभी तक एडवांस में कोई बुकिंग नहीं है, और देखते हैं 2 अक्टूबर है कल, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आनी चाहिए बुकिंग, नहीं आई तो भाई अपना तो ओला उबर है ही। तो मिलेंगे आपसे कल नए, जो जैसी भी जो भी बुकिंग आएगी उसमें, तो भाई अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाज़त, सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।